जी अस्सलाम वालेकुम सभी दोस्त अहबाब, कैसे हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सभी खैर वाफियत के साथ होंगे। आज का ये सवाल एक बहन की तरफ से पूछा गया था कि सर, एक औरत है, उसको पर्दे के अहकाम के बारे जब मैं कहती हूं तो वो कहती हैं कि हमारे घर में तो कई मर्द आते हैं, तो इतने मर्दों से पर्दा करना मुमकिन नहीं है, लिहाजा दिल का पर्दा काफ़ी है और हम दिल का पर्दा कर लेते हैं, तो ये सारी पर्दे की कोई ज़रूरत नहीं है, तो शरीयत मुतहरा इसके बारे में क्या हुक्म देती है? देखें, सबसे पहली बात, जो इस बहन ने ये अल्फाज कहे, जवाब दिया, ये कुरान के सरासर ख़िलाफ़ हैं और सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी ख़िलाफ़ हैं। देखिए, कुरान का वाज़ेह हुक्म है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नबियु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन। अल्लाह पाक ने, यानी कि ऐ नबी की बीवियों, बेटियों और जो कराबतदार रिश्तेदार या और जिस तरीके की भी औरतें, अल्लाह पाक ने सभी को पर्दे का हुक्म दिया है, घूंघट निकाल के पर्दा, जला बीबिहिन्ना, पर्दा करने का। और फिर मुख्तलिफ और रवायतों में आया है कि जब ऐ नबी की बीवियों अपने घरों से बाहर निकलो या नबी की बेटियों बाहर निकलो तो अपने सीने पर चादर ओढ़ लिया करो। ये किस लिए है? और इसी तरीके फिर कुरान पाक की एक और आयत देख लें, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियति लूला। क्या नबी की बीवियों, अपने घरों में ठहरी रहो और ज़माने जाहिलियत की तरह बनाओ सिंगार ना किया करो और बिला वजह घरों से मत बाहर निकलो। तो यहाँ पर इस बहन की बात सुन के बड़ा अफसोस हो रहा है कि ऐसी बहन, ये देखें कि आप क्या उम्महातुल मोमिनीन से भी आगे बढ़ गई हैं? क्या आपका मकाम व मर्तबा नऊज़ बिल्ला उम्मुल मोमिन सईदा आयशा सिद्दीका से ज़्यादा है कि जिनके बारे कुरान ने 18 आयतें उनकी पाक दामनी में नहीं उतारी, रब ताला ने उनकी गवाही दी? और फिर इसी तरीके हमारी नबी अलैहिस्सलाम की लखते जिक्र सईदा कायनात सईदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे भी आप आगे बढ़ गई हैं पाकिजगी में और पाक दामनी में और पर्दे में। तो जब दुनिया की बेहतरीन औरतों ने दुनिया के बेहतरीन मर्दों से पर्दा किया, तो फिर मैं और आप और आज की औरतें आज कौन होती हैं पर्दा ना करने वाली और ये अल्फाज कहने वाली कि दिल का पर्दा काफ़ी है? भाई, दिल का पर्दा काफ़ी नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जो सहाबा थे, बेहतरीन मर्द वो थे और बेहतरीन औरतें अल्लाह की नबी की सहाबियात और नबी की बीवियाँ और बेटियाँ। तो अल्लाह ने नबी की बीवियों और बेटियों को सहाबा से पर्दा करने का हुक्म दिया, हालांकि ना सहाबा के दिल में ऐसा शको शुबा था, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, और ना हमारी अजवाज जो नबी अलैहिस्सलाम की बीवियां हमारे लिए उम्मुल मोमिनीन हैं, उनके दिल में ऐसा कोई खदशा था या शायबा था, मगर अल्लाह पाक ने उन्हें भी पर्दा करने का हुक्म दिया। तो फिर आज के ये लोग कौन होते हैं कि जो कहते हैं कि नऊज बिल्ला दिल का पर्दा काफ़ी है? बल्कि उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीका से है, एक हदीस मुबारक मफहूम मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मखदूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक दफ़ा घर में आते हैं तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सईदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका को पर्दा करने का हुक्म दिया। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये तो नबीना है, इन्हें कौन सा नज़र आता है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तो नबीना है पर तुम तो नबीना नहीं ना, तुम्हें तो नज़र आता है ना। तो जब अजवाजुन नबी को नबीना शख्स से भी पर्दा करने का हुक्म है, तो आज की लिबरल औरतें, आज की वो माँ बहनें, नादान औरतें जो इस बात को मौजू बनाकर के दिल का पर्दा काफ़ी है, ये सरासर नाजायज़ और ग़लत काम है। देखें, हम अपने तौर पे जवाब नहीं बना सकते, जैसे अगर चोर कोई कहे जी चोरी करना बेशक जायज़ है नाजायज़ है, लेकिन मुझे चोरी करने की इजाज़त दी जाए, बजाय इसके कि मैं बदनाम हो जाऊँ, भूखा मर जाऊँ, ये तो कोई जवाब नहीं है। ऐसे कोई शख्स है वो कहता जी मेरे जो घर में महरमात हैं, मुझे उनके साथ नाजायज़ तल्लक रखने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि अगर मैं बाहर किसी के साथ नाजायज़ तल्लक रखूँगा तो बदनाम हो जाऊँगा। तो अगर अपनी मर्ज़ी के हम कुरान और हदीस को छोड़ के फैसले अपनाएंगे और ऐसे तरीके अपनाएंगे तो दुनिया में सवाए तबाह बर्बादी के और कुछ नहीं होगा। तो ऐसी औरत के लिए मुफ्तियान अज़ाम के नज़दीक और फुकहाए कराम के नज़दीक उसके लिए पहला असूल ये है कि वो अपने तजदीदा ईमान करे, नए सिरे से कलमा पढ़े, तजदीदे ईमान करे और फिर अपना तजदीदे निकाह भी करे। कि जिसने कुरान को और मुस्तफ़ा की हदीस को पसे पुश्त डाल के कह दिया जी बस दिल का पर्दा है, तो सबसे पहले तजदीदे ईमान करे, फिर वो अपना तजदीदे निकाह करे और अल्लाह से तौबा व इस्तिगफार भी करे। तो ऐसी औरतों के मुतल्लिक देखें
ये लोग जब बाहर दुबई जाते हैं या यूके जाते हैं, किसी और कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ जाके सबसे पहले ये मालूम करते हैं कि ईरान जाना हो तो पर्दा करना लाजमी है, बेशक वो किसी भी कंट्री से आया हुआ हो। तो ये औरतें जब हमारे मुल्क की बाहर जाती हैं, वहाँ पे थूकती नहीं हैं, वहाँ पे गाउन पहनती हैं, वहाँ पे डर होता है कि पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, फ़ाइन होगा, जुर्माना होगा, लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, ये सारी बातें अगर वहाँ रहते हुए इन बातों पे अमल हो सकता है, क्यों? सिर्फ डंडे की वजह से और जुर्माने के डर की वजह से। तो यहाँ पर भी अल्लाह और उसका रसूल का डर जो है वो जहन में रखना चाहिए। ऐसी औरत ने क्या मरना नहीं है? हम सब ने मरना है। और ऐसी बहन को मुसलमान होने के नाते मैं मशवरा दूंगा कि अल्लाह से तौबा करें, अपना तजदीद निकाह करें और तजदीद ईमान करें। सईदा कायनात को देखें जो खातून जन्नत हैं, औरतें जन्नती औरतों की सरदारा हैं, उनका तो यहाँ तक फरमान है कि अलीउल मुर्तज़ा मेरा जनाजा भी रात के वक्त उठाना, और फिर बाद रवायतों में आता है कि जनाजे के इर्द गिर्द लकड़ियों के थोड़ी सी दीवारें बना के ऊपर चादर डालना, ताकि रात के वक्त भी सईदा कायनात के कफन के ऊपर किसी गैर महरम की नज़र ना पड़ सके। और आज की माएँ बहनें वो अंदाज़ा लगाएं कि वो ज़रा क्या कह रही हैं। आप देखें, आपने पर्दा नहीं करना, वो एक अलग गुनाह था, लेकिन आप ये कह के कि जी दिल का पर्दा काफ़ी है, कहीं नहीं लिखा हुआ, इससे आपने कुरान और हदीस का इनकार कर दिया। जब आपने कुरान और हदीस का इनकार कर दिया, तो इसी वजह से मैंने अर्ज़ किया कि आप अपना तजदीद ईमान भी करें और तजदीद निकाह भी करें, और यही हमारे उलमा इकराम का फतवा है। लिहाजा तौबा करें, अल्लाह बात इस बात को समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। साबित ये हुआ, खुलासा कलाम ये हुआ कि निगाहों का पर्दा भी ज़रूरी है और जिस्मानी जिस्म का पर्दा भी ज़रूरी है और दिल का पर्दा भी ज़रूरी है। ये अकेले दिल के पर्दे से काम नहीं चलने वाला, वरना कब्र में सज़ा होगी और आखरत में भी सज़ा होगी। अल्लाह पाक बात को समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।